नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के सहयोग से एक जन्म कुंडली बनती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 12 राशियां होती हैं, इन 12 राशियों में से प्रत्येक राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो कौन हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। 12 राशियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो राशि होती है वो है मेष राशि। तो मेष राशि से हम शुरू करते हैं। मेष राशि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो ये हमारी 12 राशियां हो गई। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि इन राशियों के स्वामी ग्रह कौन हैं। तो मेष राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल, वृष राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, कर्क राशि के चंद्र, सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य, कन्या राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र, वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, धनु राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, मकर राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, कुंभ राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, मीन राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि जो राशियां होती हैं इनके स्वामी ग्रह कौन कौन होते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ ग्रह दो राशियों के भी स्वामी होते हैं। तो वो कौन कौन से ग्रह हैं, वो हैं मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं, धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, मकर और कुंभ राशि के स्वामी जो हैं वो हैं शनि महाराज। तो दोस्तों, ये जो ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये दो राशियों के स्वामी होते हैं। ठीक इसी के साथ जो सूर्य हैं, सूर्य जो हैं वो एक ही राशि के लॉर्ड हैं, वो है सिंह राशि, और चंद्रमा, चंद्रमा भी एक ही राशि के लॉर्ड हैं, वो है कर्क राशि। तो ये मैंने आपको जानकारी दी राशि और उनके स्वामी ग्रह के बारे में। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।